आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम जाइगोमैटिक इम्प्लांट के बारे में जानेंगे। औरंगाबाद के सेठ नंदलाल धूत डेंटल हॉस्पिटल ने 19 और 20 फरवरी 2022 को एक जाइगोमैटिक इम्प्लांट सर्जरी की है। ये सर्जरी बेंगलुरु से आए जाने माने मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अंजन शाह जी ने की, जो भारत के गिने चुने डेंटल सर्जनों में से एक है। ये सर्जरी औरंगाबाद के मैक्सिलोफेशियल सर्जन और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल स्टूडेंट के लिए एक वर्कशॉप के तहत लाइव सर्जरी की गई है। ये जाइगोमैटिक इम्प्लांट सर्जरी क्या है और क्यों की जाती है? जिन मरीजों के जबड़ों की हड्डियां कमजोर होने के कारण कम उम्र में दांत गिरने लग जाते हैं, इसे पायरिया कहते हैं। कैंसर के कारण या म्यूकर माइकोसिस के कारण जबड़े की हड्डियां निकालनी पड़ी है, ऐसे ही मरीजों को जाइगोमैटिक इम्प्लांट सर्जरी की जरूरत होती है। इसमें जबड़े को नई हड्डी लगाकर दांत लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक सर्जरी सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में सक्सेस की है। 43 साल के एक युवक को जो पायरिया नाम की बीमारी से पीड़ित था, उसके लगभग आधे से ज्यादा दांत गिर गए थे। उसे जबड़े के ऊपर के हिस्से में 12 और नीचे के हिस्से में 12 दांत लगाए गए। ये सर्जरी केवल 4 ही घंटे में पूरी हुई है। आगे जानकारी हम डॉक्टर अंजन शाह जी से और डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी से लेते हैं। सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में जाइगोमा इम्प्लांट सपोर्टेड ट्रीटमेंट के ऊपर जो वर्कशॉप हुआ, उसमें बेंगलोर से डॉक्टर अंजन शाह, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, सीनियर सर्जन हैं, वह यहाँ आए और उन्होंने हमारे पेशेंट श्री पारू जी को यह डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ पर एक्सीक्यूट किया। जाइगोमा इम्प्लांट ऐसे केसेस में किया जाता है जहाँ ऊपर के जबड़े में साधारण इम्प्लांट प्लेस करने के लिए जगह कम हो और पेशेंट को एक फिक्स डेंचर या डेंटिशन की चबाने के लिए आवश्यकता हो। फारूक 43 वर्ष के हैं और कम उम्र में ही उनके सभी दांत चले गए, निकल गए, गिर पड़े। ऐसी बीमारी जनरली पायलिया के माध्यम से शुरू होती है और ऐसी स्थितियां कैंसर जैसे रोग में, कोविड के इस पैंडेमिक में, म्यूकर माइकोसिस के रोग में या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो चेहरे के जबड़े वगैरह का फ्रैक्चर होता है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं। लेकिन फारूक के नैसर्गिक तरह से ही दांत गिर जाने की वजह से उनको खाना चबाने के लिए, बात करने के लिए बहुत अड़चन आती थी। उन्होंने जब हमें संपर्क किया तो हमने उन्हें यह एडवाइस किया कि हम आपको फिक्स दांत लगा सकते हैं। नीचे के जबड़े में हमने उन्हें 4 दांतों पर फिक्स, 4 इम्प्लांट्स के ऊपर फिक्स दांत लगाए और ऊपर के जबड़े में उनके सामने का भाग, जबड़े के सामने का भाग ऐसा था जहां पर हम 2-3 इम्प्लांट कर सकते थे, लेकिन 2-3 इम्प्लांट की सपोर्ट से पूरा डेंचर नहीं लग सकता है। इसलिए हमने जाइगोमा इम्प्लांट का उनको सुझाव दिया और उन्हें बताया कि डॉक्टर अंजन शाह हमारे भारत के एक बहुत नामी मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं और वह हमारे शहर में आकर ही हमारे हॉस्पिटल में ही आपका उपचार करेंगे। तो फारूक ने उसको मान्यता दी और उसके बाद हमने यह भी विचार किया कि चूंकि यह प्रोसीजर सामान्यतः नहीं होता है तो क्यों ना इसके माध्यम से हम शहर के मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को, शहर में हमारी जो 2 डेंटल कॉलेज है वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ दें। तो हमने एक लाइव सर्जरी किया और फारूक के ऊपर के जबड़े में जाइगोमा इम्प्लांट प्लेस करने के बाद 4 घंटे के अंदर ही हमने उन्हें, मैं डॉक्टर अंजन शाह ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ बैंगलोर से और मेरा इम्प्लांट सर्जरी में 20 साल का तजुर्बा है और ये जो टेक्निक हमने जो कल किया था जाइगोमा इम्प्लांट का, वो 15 साल से मैं ये प्रोसीजर कर रहा हूँ। सर, ये जाइगोमा जो सर्जरी है इससे इसके बारे में बताइए और यहाँ के डॉक्टर्स का क्या फ़ायदा हुआ सर? तो ये जाइगोमा पर्टिकुलर जो इम्प्लांट है वो उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डी बहुत कम है और हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल बिना दांत के पेशेंट्स भी
और पेशेंट्स जिनके को इंजरी लगी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, या जो हमने लास्ट साल पिछले साल में देखा था ब्लैक फंगस का, या कैंसर के लिए उनका सर्जरी हुआ है, उनके पास हड्डी नहीं होती नॉर्मल इम्प्लांट्स डालने के लिए। तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनमें हड्डी कम है, और उनमें भी ये इम्प्लांट्स हम डाल सकते हैं और उससे हम इन लोगों को दांत और ऊपर का जबड़ा बना सकते हैं। सर, अभी जो म्यूकर माइकोसिस जो कोरोना की वजह से लोगों में पाया जा रहा है, इसके ऊपर ये सर्जरी का क्या इफेक्ट ये होगा सर? तो इन लोगों में कई लोगों की ऊपर के दांत, ऊपर का जबड़ा, ऊपर का जो तालू है वो भाग निकल गया है, खराब हो गया है, तो इनसे ये लोग बात नहीं कर पाते हैं। जब वो खाते पीते हैं तो नाक में चला जाता है खाना पानी, और दांत नहीं है उसकी वजह से चबा नहीं सकते, और चेहरा भी बदल जाता है उसकी वजह से। तो इन सब पेशेंट्स के लिए हम ये जाइगोमा इम्प्लांट के तरीके से हम उनको वापस खाना पीना बात करना ये सब हम वापस दे सकते हैं। सर, अभी जैसा कैंसर होता है, जो माउथ कैंसर होता है, जो इसमें जबड़ा निकाला जाता है, तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी का कितना इफेक्ट होता है? बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि इन पेशेंट्स में एक तो कि ये सर्जरी काफ़ी सिंपल है, दूसरे भी सर्जरी से हम कर सकते हैं रिकन्स्ट्रक्शन, लेकिन वो दूसरी जगह से हड्डी या चमड़ी लेकर करना पड़ता है, जो बड़ा ऑपरेशन होता है। कई बार ये पेशेंट ऐसे ऑपरेशन के लिए फिट भी नहीं होता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। और ये तरीके की सर्जरी जो हमने किया है, जो जाइगोमा का, वो सर्जरी उससे थोड़ा सिंपल है, और क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा टाइम रहना नहीं पड़ता है हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से ये जल्दी भी हो जाता है।